पिछले दो क्लास में, और आपने लैब भी करी होगी, तो लैब में और क्लास में कोई भी जो दिक्कत आ गई हो उसके बारे में पहले लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या दिक्कत आई उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। कैपेसिटी क्या है, कौन से मेमोरी लोकेशन में क्यों क्यों इतनी वैल्यू रह सकती है, क्यों ज़्यादा नहीं रह सकती, ये एक दिक्कत। अच्छा, और कुछ? एम इक्वल्स टू एम प्लस टू एम प्लस एन वट एवर, उसका क्या मतलब? हाँ, उसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट, उसको देखेंगे अपन एक बार। और कुछ? हाँ, वो प्लस प्लस या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और कुछ? हाँ, कंपाइलिंग। कंपाइलिंग यानी क्या? ओके, तो इनके बारे में बात करते हैं। ये प्रोग्राम समझ में आ गया आपके? हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑयल के टैंक बने हैं इनको पेंट करने की सोच ली किसी ने। अब पेंटिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो कितना खर्चा आएगा ये निकालने का प्रॉब्लम। अब वो पेंटिंग का जो चार्ज रहता है, उसकी जो प्राइस रहती है, रेट रहता है, वो पेंटर बोलता है कि पर स्क्वायर मीटर को कितने पैसे लगेंगे ये आपको बताऊँ, फिर जितने स्क्वायर मीटर पेंट कर लूँ उतने पैसे दे देना है साहब। तो अपने को स्क्वायर मीटर कितने होते हैं कैलकुलेट करना। अब स्क्वायर मीटर होता है एरिया का, मान लीजिए 4x4 का कोई स्क्वायर है उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं, तो 16 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट करना पड़ेगा। तो उस तरह से सरफेस का जो एरिया कितना है ये निकालना है हमें। अब वो सरफेस का एरिया निकालने के लिए, चूंकि ये टैंक सिलिंड्रिकल है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो बाहर का सरफेस है इसका जो भी एरिया होगा वो, और ऊपर वाला ढक्कन जो होगा सर्क्यूलर उसका एरिया, ये दोनों को जोड़ के टोटल एरिया आएगा। तो सिलेंडर का एरिया तो होता है 2πRH, जब आर रेडियस है और एच हाइट है सिलेंडर की, और जो सर्कुलर ढक्कन होगा वो किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब जब सिलेंडर का रेडियस आ रहा है तो ऊपर वाले ढक्कन का भी आ रही होगा, तो इसलिए इन दोनों को मिला के कुल जोड़ एरिया आ जाएगा। अब टोटल अगर हमारे पास एन टैंक्स हैं तो एन मल्टीप्लाइड बाई दैट इतना एरिया आ जाएगा, और जितने भी पैसे रेट बोलेगा वो पी रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर उसको गुणाकार कर देंगे। तो असल में जो काम अपन कैलकुलेटर पे करते हैं, यह तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं गुणाकार, उसी को हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि प्रोग्राम लिख के कैसे करवाया जाए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम तो कुछ कैलकुलेशन करेगा, वो कैलकुलेशन कुछ वैल्यूज के साथ करेगा। अब कुछ वैल्यूज जैसी हैं पाए, पाए की तो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो वो प्रोग्राम लिखते समय ही हमें मालूम है, तो हम उसी समय प्रोग्राम में लिख देंगे वो वैल्यू। लेकिन रेडियस हाइट जो है वो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा उस टाइम कोई तो भी इंडियन ऑयल कंपनी का आदमी देगा कि भाई ये रेडियस है, ये हाइट है, ये नंबर है, तो वो पढ़ना पड़ेंगे वैल्यूज। तो हमारे प्रोग्राम में कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं और कुछ चीज़ें प्रोग्राम रन करते समय पढ़ लेना पड़ेंगे कुछ वैल्यू, और वो पढ़ी हुई वैल्यूज प्लस जो हमें मालूम है वो वैल्यूज, उनको मिला के हमें इस टाइप का कंप्यूटेशन करना है। इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा है, अब ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें पहली लाइन है, ये तो कमेंट है, ये कंप्यूटर से इसका कोई लेना देना नहीं, हम लोगों के लिए लिखा है। आप क्योंकि आप प्रोग्राम लिखेंगे उसे मैं पढ़ूंगा, तो मेरे को पता चलना चाहिए किस बारे में है प्रोग्राम, इसलिए ऐसा कमेंट लिखा जाता है। तो ये पेंटिंग कॉस्ट डॉट CPP ये फाइल का नाम हो गया, CS 101 के लिए लिखा था अगस्त 2010। या कोई भी कमेंट आप लिख सकते हैं, मतलब ये मैंने एग्जांपल लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे पता चले कि प्रोग्राम किस बारे में। अब ये प्रोग्राम की पहली तीन लाइनें तो हमने ये तय कर लिया कि भाई इनके बारे में हम ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, जैसी हैं वैसी लिखेंगे, अभी हमें पता नहीं इनका मतलब क्या है, बाद में पता चले। लेकिन आगे जो है वो इनका मतलब हमें पता है कि जब हम फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट के आगे जो भी नाम लिखेंगे उनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज रहेंगी, रियल वैल्यूज रहेंगे, और जो इंट के आगे नाम लिखेंगे उन नामों में इंटीजर वैल्यूज रहेंगे। अब ये कॉस्ट जो है आएगी वो फ्लोटिंग पॉइंट है, हम लिखना भूल गए थे इनके साथ इसलिए हमने अलग से लिख दिया। इसका मतलब हम कितनी भी बार इंट फ्लोट ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं, उसके आगे जो नाम हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। ये जो नाम है ये हमने चुने हुए हैं, आर एच पाई प्राइस कॉस्ट एन टैंक्स, ये हमने चुने हैं नाम, और ये इसलिए चुने हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो हमारे हिसाब से जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले के तकरीबन मिलती जुलती नामे हैं, इसलिए ऐसे नाम। हम कुछ भी चूज कर सकते थे, एक्स वाई जेड कुछ भी, उससे मतलब नहीं समझ में आता, इसलिए ये नाम चूज। अब ये कंप्यूटर जब इसको पढ़ेगा, ये लाइन जब पढ़ेगा
तो जब ट्रांसलेट करेगा, कंपाइल करेगा, अभी कंपाइलेशन का मतलब नहीं बताया, लेकिन जब कंपाइल करेगा तो उस समय मेमोरी में कुछ जगह बना देगा हर नाम के लिए, आर के लिए बनाएगा, एच के लिए बनाएगा, पाई के लिए बनाएगा, प्राइस के लिए बनाएगा, सबके लिए जगह बना के रख देगा कि यहाँ पे जब भी प्रोग्राम रन करते समय कोई भी वैल्यू आए उस जगह में रख देंगे। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं सी आउट और सी इन, ये तो आपको पता है आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट है। हमें असल में करना क्या है कि रेडियस और हाइट की जैसे वैल्यू लेनी है, तो हमें खाली सी इन स्टेटमेंट लिख देने से कंप्यूटर को हिदायत हो जाएगी कि भाई जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो दो इनपुट वैल्यू ले लेना, एक को आर में रख देना, एक को एच में रख देना। लेकिन जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हम सामने बैठे रहेंगे कंप्यूटर के, तो कौन सी वैल्यू कब देना है यह हमें भी पता चले, इसके लिए अपन कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई पहले वैल्यू पढ़ने से पहले हमें बता दो कौन सी वैल्यू पढ़ने वाले। अब वो कैसे बताएगा, खुद होके तो बताएगा नहीं, तो इसलिए हमने ये आउटपुट स्टेटमेंट लिख दिया, गिव द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब रन होगा प्रोग्राम, तो कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके हमें यह पूरा का पूरा मैसेज ऐसे कैसे ही छाप के दे देगा, क्योंकि यह डबल कोटेशन में लिखा है। देखिए ये डबल कोट में लिखा है ना, एक स्ट्रिंग है, वो कंप्यूटर को उसके बारे में सोचता नहीं कि स्ट्रिंग में कौन से शब्द है, उनका मतलब क्या है, वो तो पूरी स्ट्रिंग वैसी की वैसी उठा के आपको छाप देगा। उस जैसे ग्रीटिंग छपा था हेलो वर्ल्ड, जैसे आपका नाम छपा था, जो भी आप डबल कोट में देंगे वैसे के वैसे ही छप जाए। उसका फायदा यह होगा कि जब हम रन करेंगे प्रोग्राम तो हमें सामने यह मैसेज आएगा, गिव द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें पता चलेगा कि हमें रेडियस की वैल्यू देनी है, हाइट की वैल्यू देनी है। ये देखिए कि यहाँ पे आर पहले लिखा है फिर बाद में एच लिखा है, हम पहले एच पढ़ सकते थे फिर आर पढ़ सकते थे। तो जब प्रोग्राम रन होगा, मान लीजिए प्रोग्राम आपने लिखा और मैं रन कर रहा हूँ, मेरे पास ऑयल टैंक है, उसकी कॉस्ट मुझे निकालनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आर की वैल्यू पहले पढ़ना चाहते हैं या एच की वैल्यू पहले पढ़ना। जो वैल्यू हम पहले देंगे वो पहले नाम में जाएगी, दूसरे देंगे वो दूसरे नाम में जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भी मैसेज हम लिखें वो ऐसा लिखें कि समझ में आ जाए कि किस सीक्वेंस में हमें वैल्यूज देनी। इसी तरह ये दूसरा है, हमें नंबर ऑफ टैंक्स पढ़ने हैं तो गिव नंबर ऑफ टैंक्स बोल दिया, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद प्राइस पूछना है पर स्क्वायर मीटर, तो उसके बाद सी इन करके प्राइस पढ़ी। ये सब वैल्यूज हमने पढ़ी। ये वैल्यूज पढ़ने के बाद हम चाहते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करे। अब वो कैलकुलेशन के लिए एक ही तरीका है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेशन, दूसरा कोई तरीका नहीं। उस असाइनमेंट ऑपरेशन में बाईं तरफ हम एक नाम लिखते हैं वेरिएबल का कि जहां पे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके पहुंच जाए, और दाहिनी तरफ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं बड़ा भारी, जो भी एक्सप्रेशन जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, कंप्यूटेशन होता है, उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू बना के वो बाईं तरफ वाले में डाल। अब ये फॉर्मूला देखे आप, ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको, ये बिल्कुल अपने जो फॉर्मूला लिखा था उसी के तरीके का है। और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने से कुछ वैल्यू आएगी, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जो भी है, वो वैल्यू को कॉस्ट में वो रख देगा, कॉस्ट नाम के रूप में। अब मेमोरी लोकेशन क्या है हम एक मिनट में देखेंगे तो पता चल जाए। उसके बाद में जो एक आउटपुट स्टेटमेंट दिया कि भाई जो भी कॉस्ट के लोकेशन में आपने वैल्यू रखी है वो हमें छाप के दे दो, और खाली एक नंबर मत देना, उसके साथ साथ एक मैसेज छाप देना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, तो पता चले क्या छाप रहे हो। ये इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी है और वो कंप्यूटर से हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के सिलसिले में अब हम ये मेमोरी कैपेसिटी के बारे में देखेंगे और कंपाइलिंग के बारे में, ठीक है। तो पहले मेमोरी लोकेशंस, आपको वो डम्बो का मॉडल याद है कि जब वो एक दराज बना के रखता है मेमोरी लोकेशन में और हर मेमोरी लोकेशन को नाम देता है, वो नाम कहाँ से देता है? वो नाम अपने मन से नहीं देता कंप्यूटर, हम जो नाम उसको बोलेंगे वही नाम वो चिपकाएगा एक एक लोकेशन के पास। तो जैसे आप देख यहाँ पे हमने बोल दिया फ्लोट आर आई एच और पाए, तो वो इमीडिएटली यहाँ पे एक लोकेशन को बोल देगा आर, दूसरे लोकेशन को बोल देगा एच, तीसरे लोकेशन को बोल देगा पाए। ये तीन नाम से मेमोरी लोकेशंस उसने रिजर्व कर लिया उसकी मेमोरी। ये लाइन पढ़ने के बाद यहां पे हमने पाए इक्वल टू 3.14159 भी लिखा है, तो जब वो मेमोरी लोकेशन देगा उसी समय उसे पता है कि इसमें ये वैल्यू रखनी है, तो ये वैल्यू पाए के अंदर डाल देगा, यानी पाए लोकेशन में ये वैल्यू पहुंच गई, बाकी लोकेशन में अभी कुछ नहीं पहुंचा है, उसमें कुछ तो भी पड़ा होगा पहले का, अपने को मालूम नहीं क्या है। आगे देखे प्राइस
तो प्राइस नाम का ये लोकेशन बना देगा। फिर आगे लिखा है इंट एंड टैंक्स, ये देखिए ये सब चीजों के बीच में कॉमा लिखा लेकिन यहां पे सेमी कोलन लिख दिया। ये सेमी कोलन का मतलब होता है कि फ्लोट नाम का डिक्लेरेशन जो है वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, अभी कोई नया स्टेटमेंट चलेगा। वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट कंपाइलेशन, ये हमने स्टेटमेंट लिखा इंट, ये नया स्टेटमेंट है, नई इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब भी वही है कि मेमोरी में लोकेशन रखो जो नाम आएंगे उसमें, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन में खाली इंटीजर वैल्यूज रहेंगे। ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें खाली फ्लोट वैल्यूज रहेंगे या रियल नंबर रहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर, ये हम कंप्यूटर को बता रहे थे। तो ये जो है एंड टैंक्स, तो उसने एंड टैंक्स बोल दिया यहाँ पे, एंड टैंक्स यानी हम नंबर ऑफ टैंक्स लिखते हैं। आगे और एक फ्लोट है, फ्लोट कॉस्ट। देखिए ये एंड टैंक्स के बाद में भी सेमी कोलन, यानी ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, दूसरी चालू। तो आगे लास्ट जो है वो कॉस्ट है, कॉस्ट लिख दिया। ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं, ये मेमोरी लोकेशन की कैपेसिटी होती है। किसी भी मेमोरी लोकेशन में कुछ जो भी वैल्यू रखना है आप ऐसे 10 अरब 50 खरब ऐसी वैल्यू रखना चाहे तो क्या हम रख सकते हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है ये मालूम करने से कि मेमोरी की कैपेसिटी क्या है। और वो जो मेमोरी की कैपेसिटी रहती है वो बाइनरी सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में गिनती की जाती है। जैसे अपन डेसिमल में नंबर लिखते हैं 1 to 9, फिर 0 लिखते हैं, 10, 11, 12 ऐसा लिखते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं खाली 0, 1, दो ही सिंबल। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम मालूम है आपको? तो ये बाइनरी सिस्टम में 0, 1 के बाद में अगला नंबर क्या होगा? 1, 0। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 1, 1। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 1, 0, 0। ठीक है, इस तरह से बाइनरी में इंटीजर नंबर हम ऐसे लिखेंगे। अब बड़े नंबर लिखने के लिए जाहिर है कि ज्यादा बिट्स लगेंगी, जैसे ये 1 बिट का नंबर है, ये 2 बिट का है, ये 3 बिट का हुआ, 5 बिट का होगा, 10 बिट का होगा, 50 बिट का होगा, 100 बिट का होगा। ये बिट जो है वो एक यूनिट होता है एक डिजिट का, ऐसे 8 बिट्स मिलके एक मेमोरी लोकेशन बनता है और इसको बोलते हैं बाइट। अब इस मेमोरी लोकेशन में अगर हम इस तरह के नंबर रखना चाहें तो छोटा से छोटा नंबर क्या रख सकते हैं अपन? 0, सब 0 कर दिए। बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा? सब 1 कर दिए। अगर सब 1 कर दिए मैंने तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने डेसिमल हिसाब से? 2 to the power 8 - 1। क्यों? मैं बताता हूं, ये 1 बिट का नंबर है यानी इसकी वैल्यू हुई 2 to the power 1 - 1 यानी 2 - 1, इसकी वैल्यू हुई 2 to the power 2 - 1, 2 बिट का नंबर, 3 हुई ना इसकी वैल्यू। इसी तरह से आगे जाएंगे तो 1, 1, 1 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 7। और जो वो वैल्यू है 2 to the power 3 - 1, यानी जितने भी बिट्स हैं 2 to the power those many bits - 1, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसमें। तो इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी 2 to the power 8 - 1 रहेगी। ये वैल्यू डेसिमल नंबर में आती है 255। सो हम लोग ये बोल रहे थे कि फ्लोट बाद में भी डिक्लेयर करें, पहले भी डिक्लेयर करें, 2, 3, 4 बार अलग अलग एक एक आर इंट एच इंट ये कुछ भी करे तो चलेगा। बस एक चीज ख्याल रखना कि जब भी हमारा एक स्टेटमेंट खत्म हो तो उसमें सेमी कोलन दे देना बाद में, खाली कॉमा देके आपने फिर फ्लोट लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती है वो कंप्यूटर को पूरी एक इंस्ट्रक्शन वो सेमी कोलन आने तक एक ही इंस्ट्रक्शन मानता है, वो पूरा सेमी कोलन तक पढ़ता जाएगा, वो उसके समझ में नहीं आएगा तो आपको गाली देगा कि भैया हमें समझ में नहीं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन। अब हम बात कर रहे थे इसके कैपेसिटी का, तो हमने देखा कि एक बाइट जिसे बोलते हैं 8 बिट्स, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है 255 तक वैल्यू रखने की, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। अब इसमें हमें निगेटिव नंबर भी रखना है, कैसे रखेंगे निगेटिव नंबर? तो डेसिमल सिस्टम में तो हम लिख लेते हैं -2174। ठीक है, ये माइनस साइन तो डेसिमल डिजिट का हिस्सा नहीं है, प्लस और माइनस अलग से साइन हमने बनाए। बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर में मेमोरी में खाली बिट होते हैं तो साइन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक जो पोजीशन है इस पोजीशन को बोल देता है कि ये साइन पोजीशन रहेगी।
इसमें मैं साइन लिखूंगा। अब वो प्लस माइनस नहीं लिख सकता, वो तो जीरो वन ही लिख सकता हर पोजिशन। तो इसलिए ये तय किया गया कंप्यूटर बनाने वालों ने कि जब भी हम जीरो लिखेंगे उसका मतलब है पॉजिटिव नंबर, और जब भी हम वन लिखेंगे उसका मतलब है निगेटिव। ये क्यों तय किया, कोई जवाब नहीं इसका। असल में इसका जवाब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं ओके, उसमें जो वोल्टेज लेवल आते हैं, एक वोल्टेज लेवल को बोल दिया गया जीरो, एक को बोल दिया गया वन, वो तय हो गया। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी बिट एक कम हो गई वैल्यू रखने के लिए, तो हम 2^8 - 1 नहीं रख सकते हैं, हम इसमें रख सकते हैं 2^8 - 1 - 1 बराबर। ये वैल्यूज बहुत कम है, इस वैल्यू से तो हमारा कंप्यूटेशन कुछ बनेगा नहीं, हमें बड़ी वैल्यूज लगती हैं कंप्यूटेशन करने के लिए। तो बड़ी वैल्यूज लिखने के लिए फिर यह तय किया गया अभी कंप्यूटर को जो है 1 byte की मेमोरी लोकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें ज़्यादा बाइट्स चाहिए। तो फिर वो कंप्यूटर के लिए क्या हिसाब बना दिया गया कि जो मेमोरी लोकेशंस हैं, ये मेमोरी लोकेशन इस तरह से कुछ डिसाइड किए गए कि 1 byte की जगह आप 2 byte ले लो, 4 byte ले लो, 6 byte ले लो, 8 byte ले लो। कितनी बाइट कब लेना ये कैसे तय करेगा कंप्यूटर? तो कंप्यूटर नहीं तय करता है, ये हम लोग तय करते हैं हमारा प्रोग्राम लिखते समय। और प्रोग्राम हम लिखते हैं कंप्यूटर की भाषा में, मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। कंप्यूटर ये भाषा नहीं समझता हमारी C++, कंप्यूटर समझता है उसकी मशीन लैंग्वेज होती है, उसमें ऐड सबट्रैक्ट लोड ऐसी अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन रहती है। तो जैसे आप लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आई, अब मैं इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, अब हिंदी में इंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। कंप्यूटर कुछ इसी तरह से काम कर, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, उसको ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसी भाषा में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको किसी ने ट्रांसलेट करके उसकी मशीन लैंग्वेज में देना जरूरी है, ताकि वो फिर समझ के उसे एग्जीक्यूट कर सके। वो ट्रांसलेशन का जो काम होता है उसको कंपाइलेशन बोलो। तो हम लोगों ने एक सी प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को हमने एक फाइल में डाल दिया कंप्यूटर में। अब वो फाइल पढ़ के जो कंप्यूटर है वो ट्रांसलेट करेगा इसको, और ट्रांसलेट करने के बाद में एक नई फाइल बनाएगा। अब जैसे अपना एक प्रोग्राम था greeting.cpp, ठीक है, उसमें ग्रीटिंग लिखा था, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए, लेकिन वो प्रोग्राम कंप्यूटर के डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए अपन बीच में उसको ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, और ट्रांसलेट करवा के बोलते हैं कि भाई ये फाइल पढ़ो और हमें ट्रांसलेटेड प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है आपका वो बना के दे दो। ये काम जो है कंपाइलर करता है, और ये कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है उसके बाद में फाइल बनाता है, उसका नॉर्मली नाम रहता है a.out। आपको याद है a.out फाइल देखी होगी आपने, ये a.out फाइल आप अगर एडिट करने जाओ तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोई इस तरह की फाइल नहीं है। ये a.out फाइल में ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कंप्यूटर के समझ में आती, और ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके बनाई। ये ट्रांसलेटर कौन है, आदमी नहीं बैठा कोई, ये ट्रांसलेशन का काम भी एक प्रोग्राम करता, जो कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने प्रोग्राम लिख के रखा है वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर या कंपाइलर प्रोग्राम। और वो जो प्रोग्राम काम करता है उस काम को बोलते हैं ट्रांसलेशन या कंपाइलेशन। सीधा एक मतलब है कि जो सी भाषा में हमने प्रोग्राम लिख के एक फाइल में डाला है उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट ट्रांसलेट करके a.out फाइल बना दो। ये कंपाइलर का नाम अपन जो यूज करते हैं वो है C++। आपको याद है वो कंप्यूटर पे अपने C++ कमांड दिए थे, उसके बाद ये फाइल नेम दिए थे। वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम हमने सी में लिखा है, आप C++ कंपाइलर को बुलाओ और उससे ये ट्रांसलेट करवा दो हमें, और ये ट्रांसलेट करवा के a.out फाइल में डाल दो। उसके बाद जब भी हम तुम्हें कहेंगे a.out फाइल रन करो तो आप वो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम रन कर दे। यानी इफेक्टिवली जब कंप्यूटर प्रोग्राम चलाता है तो वो ये प्रोग्राम चलाता है, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो ये लिखते हैं, समझ गए? तो वो जैसे मान लीजिए ये अंग्रेजी में है, ये C++ आदमी ने इसको हिंदी में कर दिया, और हमारा कंप्यूटर खाली हिंदी समझता, अंग्रेजी नहीं समझता, तो उसको ये भाषा समझ आएगी।
कोई भी सी प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उसको इस तरह से कंपाइल करके ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। ये कंपाइलेशन प्रोसेस होगी। अब मेमोरी के बारे में सोचते हैं। मेमोरी में मैंने आपको बताया कि एक बाइट में कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो एक बाइट वैल्यू से कुछ अपने को मीनिंगफुल वैल्यू नहीं रख सकते। तो कंप्यूटर डिजाइन करने वालों ने कहा कि देखो भाई, हम कंप्यूटर के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आप 2 बाइट 4 बाइट 15 बाइट ऐसा कोई ग्रुप बना लो और हमें बता दो कि ये ग्रुप आपको चाहिए, तो जब भी हम मेमोरी पे लोकेशन अलोकेट करेंगे उतने सारे बाइट्स आपको दे देंगे। अब ये कैसे बताए कंप्यूटर को कि हमें कितने बाइट चाहिए? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता हर कोई अलग अलग बोले कि मेरे को 3 बाइट का नंबर चाहिए, मेरे को 15 बाइट का नंबर चाहिए। तो कंप्यूटर को जो गुणाकार भागाकार गणित करना है वो समझ में नहीं आएगा 10 बाइट का 13 बाइट का कैसे करें। कुछ तो भी स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी। ये स्टैंडर्डाइजेशन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल पे होता है, और वो स्टैंडर्डाइजेशन करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कंप्यूटर जो मशीन है वो क्या क्या कर सकता है। ये सब सोच के लोगों ने प्रोग्राम में ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन किया है कि भाई हमको अक्सर क्या लगते हैं नंबर, तो हमें लगते हैं 4 बाइट के नंबर, हर बाइट में 8 बिट, यानी टोटल कितने बिट्स हो गए 32। यह तय कर लिया गया कि इंटीजर नंबर जो हैं 32 बिट्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये किन्होंने तय किया? सी प्रोग्राम लैंग्वेज लिखने वालों ने तय किया कि अगर आपको इंटीजर नंबर 4 बाइट के जोड़ भाग गुणा करना है तो आप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हम देंगे। जब भी आप इंट एन टाइम्स लिखेंगे, इंट एक्स लिखेंगे, इंट एम लिखेंगे, वो इंट के जो भी लोकेशंस होंगे उसको हम 4 बाइट पुरा देंगे। तो ये जो लोकेशन है आपका एन टाइम्स, ये हो गया 4 बाइट्स का। और जिस तरह से हमने लिखा था मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, उसी तरह के 4 बाइट के मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल सकते हैं। और वही C++ ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई आपका इंटीजर नंबर जो होगा सबसे बड़ा नंबर 2^31 - 1 होगा, और सबसे छोटा नंबर -2^31 - 1 होगा। ये उसने तय कर लिया। अब वो अंदर बिट पैटर्न में किस तरह रिप्रेजेंट करता है ये हमें पता करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल नंबर में कौन सा लार्जेस्ट होगा, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, हम समझ गए। बस उस दायरे में रहकर हमें कंप्यूटेशन करवाना। अब बात चलती है कि फ्रैक्शनल नंबर किस तरह से हम स्टोर करें। हमें नंबर लिखना है 23.2, या हमें नंबर लिखना है 0.00156। अब ये तो इंटीजर नंबर नहीं है, तो जिस तरह से हमने चर्चा की वो रिप्रेजेंटेशन की, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इसके लिए कंप्यूटर ने अलग एक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने तय किया कि जिस प्रकार आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज करते हैं नंबर लिखने के लिए, उसी तरह का कुछ नोटेशन इंटरनली हम यूज करेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे आप? इसको लिख सकते हैं 23.2E0, ये तो पता है नोटेशन, इसका मतलब दिस इंटू 10^0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.32E कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.232E2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 232.0E-1। इतने अलग अलग तरीकों से एक ही नंबर को लिखा जा सकता है हमारे आपके नोटेशन। तो सी प्रोग्रामिंग डिजाइन करने वालों ने क्या कहा कि चलो ऐसी ही परिभाषा देते हैं हम अंदर नंबर स्टोर करने की। उन्होंने देखा कि इसमें क्या चीजें, इसमें 2 चीजें, एक है पार्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है और एक है पार्ट है जो एक्सपोनेंट पार्ट है। तो इसको उन्होंने बोल दिया मैंटिसा, इसको बोल दिया एक्सपोनेंट। ये नाम पता है आपको, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। अब वो डिजाइन प्रोग्राम डिजाइन करने वालों ने क्या सोचा कि एक ही कोई मेरे पास लोकेशन है इतना बड़ा, जितने भी बाइट का हो, अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि भाई ये जो मैंटिसा पोर्शन है वो इस एक कोने में आ जाए और एक्सपोनेंट पोर्शन जो है वो दूसरे कोने में आ जाए, और मैं कंप्यूटर सर्किट फिर कुछ ऐसे बनाऊं कि उसको ये समझ रहे कि ये भाग मैंटिसा है, ये भाग एक्सपोनेंट, तो जब वो 2 नंबर जोड़े तो बराबर वो मैंटिसा को आगे पीछे खिसका के अलाइन करके ठीक से कैलकुलेशन कर सके।
ये कंप्यूटर सर्किट मैंने डिजाइन कर लिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैंने नाम दे दिया फ्लोट। वो फ्लोट क्यों नाम दिया, क्योंकि आप ये नंबर देखें, यही नंबर है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल पॉइंट देखिए, यहाँ पे दो डिजिट के बाद है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे एकदम पहले ही है, यहाँ पे तीन डिजिट के बाद है। यानी डेसिमल पॉइंट जो है, मान लीजिए खिसक रहा है कहीं भी, उसे हम कहीं भी लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट ठीक से लिख देंगे तो वैल्यू वही की वही रहेगी। तो ये जो खिसकने वाला डेसिमल पॉइंट है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट यानी तैरना। तो मान लीजिए तैर रहा है पॉइंट, घूम रहा है इधर से उधर, ऐसा नाम दे दिया उन्होंने फ्लोट, और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को नाम दे दिया फ्लोट। अब ये उन्होंने नाम चूज कर लिया, कोई भी दूसरा नाम दे सकते थे, रियल नंबर बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। कुछ कंप्यूटर भाषा ऐसी है जैसे फोरट्रान भाषा है, उसमें रियल लिखते हैं, फ्लोट नहीं लिखते, क्योंकि रियल नंबर लिखे जा रहे। लेकिन उन्होंने फ्लोट कर दिया तो फ्लोट हो गया। अब इसमें हमारे लिए समझने की क्या बात है, हमारे लिए समझने की बात यह है कि भाई जितने भी बिट्स हमने रखे होंगे इस मेमोरी में, कुछ बिट्स तो मैंटिसा के लिए काम आएंगे और कुछ बिट्स जो है वो एक्सपोनेंट के लिए लिखे जाएंगे। अब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसा है हमें मालूम नहीं है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि मैंटिसा भी जो लिखा जाएगा कोई नंबर होगा एक, और एक्सपोनेंट होगा जो भी नंबर होगा, और दोनों नंबर पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। और ये नंबर जो लिखना है तो कैसे लिखे, उसका पॉइंट जो है वो कहां पे माने हम, तो ये तय किया गया कि पॉइंट हमेशा यहां पे माना जाएगा। अगर यहां पे पॉइंट माना जाएगा तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो कंप्यूटर सर्किट समझ लेगा कि भाई यहां शुरू में पॉइंट है इसके। तो इस तरह से ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो लिखा जाएगा 232। समझ गया, ये मैंटिसा ये जो है, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट यहां पर है, तो ये 232 और 2 लिखा जाए। अब हमें ये सब जानने की जरा भी जरूरत नहीं है, इंटरनली वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट कहां रखता है, समझ लिया, देख लिया, बहुत बहुत हो। हम जो है वो हम नंबर इसमें से किसी भी तरह से लिखें, ये भी ऐसे लिखें तो भी चलेगा। वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है नंबर, और अगर ऐसा नंबर उसे दिखे तो वो इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को देगी, भैया नंबर है, ठीक है। ये जो कन्वर्शन है वो अपने आप होता है। लेकिन अब हमें अगर ये कहना है कि भैया हम ये पाई में जो है इस तरह की वैल्यू रखेंगे 3.14159, तो ये कंप्यूटर को पता कैसे चले कि इसमें हम इंटीजर रखने वाले और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रखने वाले। इसके लिए हम ये नाम लिखते हैं फ्लोट आर, फ्लोट एच, इंट एन टाइम। इंट एन टाइम्स का मतलब है भाई इसमें खाली इंटीजर वैल्यू रखना, तो इसमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना, और ये जो वैल्यू है पाय ये फ्लोट वैल्यू होगी, और ये भी 4 bytes की होगी। ये C++ ने तय किया कि नॉर्मली इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उनके लिए हम 4 byte की ही मेमोरी देंगे, 4 byte का लोकेशन देंगे। जाहिर है कि 4 byte का अगर एक लोकेशन दिया तो इंटीजर नंबर में ज्यादा डिजिट्स आएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में कम आएंगे, क्योंकि मैंटिसा की ये कम है, लेंथ कम है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, वो 6 digits तक का है। यानी 6 digits के आगे अगर आपने बड़ा नंबर लिख दिया तो कुछ जो हिज्जे पुर्जे हैं आगे के डिजिट्स वो गायब हो जाए, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। कागज पे आपको लिखना है तो आप बड़े पाई की संख्या 50 decimal नंबर तक लिख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, ये उसका लिमिटेशन। और ये लिमिटेशन अपने को जानना जरूरी है जब हम कंप्यूटेशन करेंगे। नॉर्मली इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये इसे कंप्यूटेशन है पेंटिंग कॉस्ट, ओके। अब आपने पूरा कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर वगैरह वगैरह, और वैल्यू कुछ आ गई, मान लीजिए 5,55,727.56891,23 rupees। अब वो 5,55,55,891,23 rupees ना आप दे सकते हैं ना वो ले सकता है, आप तो रुपए में हिसाब करोगे। तो जहां तक आपके इंटीजर नंबर ठीक आ जाते हैं आप कंफर्टेबल, इंटीजर में भी पूरा नहीं आया, मान लीजिए संख्या करोड़ तक पहुंच गई, और फ्लोटिंग पॉइंट में तो 6 decimal digit का आपका मैंटिसा है, तो 6 digits के आगे कुछ आएगा नहीं, तो
तो उसमें जीरो 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 तो आएंगे, यानी संख्या करोड़ में ही रहेगी, संख्या एक लाख नहीं हो जाएगी। ये आपको पता करना है कि कंप्यूटेशंस करने से किस चीज का क्या वैल्यू निकलता है बाद में कंप्यूटर, और ये जानने के लिए इस टाइप के कुछ प्रोग्राम आपको अगले लैब में करेंगे आप, जिसमें कुछ इंटीजर नंबर होंगे, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे, ये कंप्यूटेशन का हिसाब तो पता चल गया, वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन कैसे होता है, तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करते समय इंटीजर का फ्लोटिंग पॉइंट का इंटीजर कन्वर्ट होके फाइनली जो एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू सही आती है या गलत, ये हमें समझना जरूरी है। कंप्यूटर क्या करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद, ये समझने के लिए आप अगले लैब में कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, लेकिन जो रूल्स बताए हैं कंप्यूटेशनल रूल्स वो जरूर देख। तो जैसे ये अलग अलग ये बताए थे कि डबल भी होता है, यानी डबल यानी चार बाइट की जगह आठ बाइट होता है तो प्रिसीजन बड़ा लंबा हो जाएगा। नाम कैसे लिखना है लिखा है, इंटीजर वैल्यूज कैसे लिखना लिखा है, ये नाम याद रखें कि बीच में आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेशन बताया था जिसमें आपको रीअसाइनमेंट में दिक्कत है, ठीक है, रीअसाइनमेंट का क्या मतलब, ये असाइनमेंट ऑपरेशन समझ में आ गया, एम इज इक्वल टू दिस, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू है 35 मल्टीप्लाइड बाय एन विच इज 3 माइनस 167, जो भी रिजल्ट वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू, और वो वैल्यू जो है एम नाम के लोकेशन में रख दी जाए। तो आप फर्ज कीजिए कि एम नाम का एक लोकेशन है यहाँ पर मेमोरी, जब भी आपने इंट एम एन लिखा तो कंप्यूटर ने एम और एन के लोकेशन बना दी, फिर जब आपका प्रोग्राम ये वो कंपाइल करते टाइम कर लेता है, रन करते टाइम नहीं, कंपाइल करते टाइम ही असाइनमेंट कर देता है लोकेशंस की, लोकेशन बना देता है लेकिन कैलकुलेशन कुछ नहीं करता। फिर जब ट्रांसलेटेड प्रोग्राम रन होगा तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, एन इक्वल टू थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, एन में वैल्यू तीन डाल दो, ठीक है। अब ये लिखा है एम इज इक्वल टू 35 इंटू एन माइनस 167, तो पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेगा कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज हाउ मच, 105 माइनस 167 इज हाउ मच, माइनस 62, तो माइनस 62 वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन की। अब यहां लिखा है एम इक्वल टू माइनस 6, तो इक्वल टू को पढ़ते समय भी आप ऐसा पढ़ेंगे असाइन दिस वैल्यू टू एम, और एम गेट्स दिस वैल्यू, एम को यह वैल्यू दी जा रही है, ये इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब जो एम का जो लोकेशन है वहां इस समय पे माइनस 62 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे आप अगर सी आउट लिखेंगे तो ये 62 वैल्यू आएगी, अगर इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के पहले आप सी आउट एम लिखते तो क्या आता पता नहीं, जो भी वैल्यू उस लोकेशन में पड़ी हो उस समय वो आ जाती, आपने दी हुई नहीं आती, ठीक है। अब देखते हैं रीअसाइनमेंट, ये तो समझ गए आप इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट असाइनमेंट किस तरह से होते हैं, वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती, अगर आपने इंटीजर लोकेशन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखी तो क्या होगा, वो कन्वर्ट कर देगा, जो इंटीजर पोर्शन है रख देगा, फ्रैक्शनल पोर्शन हटा देगा। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट लोकेशन में इंटीजर वैल्यू डाल दी तो क्या होगा, तो इंटीजर वैल्यू 32 बिट की रहेगी, वो अपने कन्वर्ट कर लेगा मैंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म में और कन्वर्ट करके वहां स्टोर कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवैल्यूएट करना, अलग अलग ऑपरेटर्स क्या हैं, ये तो समझ में आ गए होंगे आपके।